नमस्कार किसान भाइयों, मैं नवदीप मेहता, सिंजेंटा से हर्बिसाइड मैनेजर। मैं खरपतवार नाशकों की जानकारी रखता हूं। जैसे हम सबको पता है, आज के इस दौर में खरपतवार नियंत्रण करना जितना ज़रूरी है उतना मुश्किल भी है। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? जी, चिंता की कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि खरपतवार नाशक का सही इस्तेमाल आप कैसे करें, जिससे आपको खरपतवार के बेहतर नियंत्रण में मदद होगी। नंबर एक, सबसे पहले सही कंपनी के सही खरपतवार नाशक का चुनाव करें। नंबर दो, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से करें। नंबर तीन, दवाई के एक समान छिड़काव के लिए सही मात्रा में पानी लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दवा के साथ जो लीफलेट आता है उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलती है, पर आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए और इसे इस्तेमाल में लाइए, जिससे आपको मिलेगा खरपतवार का बेहतर नियंत्रण। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के मुख्य तत्वों के बारे में, जो है स्प्रे पंप, नोजल और छिड़काव के तरीके। पहले हम बात करेंगे स्प्रे पंप के बारे में। ये सारे स्प्रे पंप मार्केट में उपलब्ध है। नैपसैक स्प्रे पंप, बैटरी से चलने वाला नैपसैक स्प्रे पंप, पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप जिसमें कई सारे नोजल्स लगे होते हैं, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप गन नोजल के साथ। आइए इन स्प्रे पंप्स के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। पावर स्प्रेयर, इसकी सिफारिश सिर्फ फलों के बागों के लिए। इस पंप से बूंद बहुत ही बारीक बनती है, जो कि हल्की हवा से भी उड़ जाती है। इस कारण दवाई नीचे उगे खरपतवार तक नहीं पहुंच पाती है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर गन नोजल के साथ। गन नोजल में प्रेशर अधिक होने के कारण छिड़काव असल में एक ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण दवाई नीचे उगे खरपतवार तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये खरपतवार का नियंत्रण पूरे तरीके से नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे नैपसैक स्प्रेयर के बारे में। इससे खरपतवार नाशक का एक समान छिड़काव होता है, जिससे हमें खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण मिलता है। इस पंप से खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हुए हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। इसका फैलाव अच्छा है और दवा सीधी नीचे उगे खरपतवार पर गिरती है। अब देखते हैं ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, जिसमें कई सारे नोजल्स लगे होते हैं। ये एक उच्च क्षमता वाला स्प्रेयर है, जिससे हम एक दिन में कई एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। इससे एक साथ अधिक क्षेत्र में एक समान छिड़काव मिलता है, जिससे आपकी समय और लागत दोनों की बचत होती है। इसके अलावा इससे निकला हुआ स्प्रे सीधा खरपतवार पर गिरता है। जैसे हमने देखा, खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए ये स्प्रेयर्स ठीक नहीं है और हमें केवल इन स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए विभिन्न स्प्रेयर्स के बारे में जाना, लेकिन प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए सही स्प्रेयर के साथ सही नोजल का चुनाव भी बेहद जरूरी है। आजकल बाजार में ये सारे नोजल्स उपलब्ध है। नंबर एक, होलोकॉन नोजल। होलोकॉन नोजल केवल फफूंद नाशक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है। इस नोजल से निकलने वाली बूंदें बहुत ही बारीक होती है, जिसकी हवा में उड़ने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। इस वजह से दवा उचित मात्रा में नीचे उगे खरपतवारों पर नहीं पहुंच पाती और प्रभावी नियंत्रण नहीं मिल पाता। इसलिए इसे खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर दो, शावर नोजल। शावर नोजल एक लोकल नोजल है। इससे पानी फवारे की तरह निकलता है और छिड़काव के समय हाथ हिलाना पड़ता है। कारणवश दवा का एक समान छिड़काव नहीं हो पाता और बड़ी बूंदे होने के कारण दवा खरपतवार के पत्तों पर गिरने के पश्चात नीचे गिर जाती है। इन्हीं वजह से शावर नोजल का इस्तेमाल खरपतवार नाशकों के छिड़काव के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, गन नोजल। गन नोजल में प्रेशर अत्यधिक होने के कारण छिड़काव फसल के ऊपर से दूर तक होता है, इसलिए नीचे उगने वाले और छोटे खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता।
इस वजह से गन नोजल का इस्तेमाल खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 4, फ्लडजेट नोजल और फ्लैट फैन नोजल। फ्लडजेट नोजल और फ्लैट फैन नोजल से खरपतवार नाशक का छिड़काव नीचे की तरफ होता है और बूंदे थोड़ी बड़ी बनती है, जिसकी वजह से छोटे और नीचे उगने वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण मिलता है। इन दो नोजल से बिना हाथ हिलाए खरपतवार नाशक का छिड़काव लगभग 2 मीटर तक हो जाता है। इसलिए खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो नोजल्स का इस्तेमाल करें। अब हमने देखा कि खरपतवार नाशकों के छिड़काव के समय इन नोजल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इन नोजल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशकों का 2 तरीके से छिड़काव किया जाना चाहिए। नंबर 1, नैपसैक स्प्रेयर, फ्लडजेट या फ्लैट फैन नोजल के साथ। नंबर 2, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स, जिसमें कई सारे फ्लैट फैन नोजल्स लगे होते हैं। देखा किसान भाइयों, सही जानकारी बिना किया हुआ काम यानी मेहनत और पैसा दोनों का नुकसान। इसलिए जब भी आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करें तो बताए गए सही तरीके ही इस्तेमाल करें। एक और चीज, छिड़काव करते समय सही तरीके से चलना और बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है। जैसे बाइक चलाते हुए गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक और बैलेंस का तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो नुकसान होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आपका नहीं। अब मालूम है ना कैसे? तो इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी अपनाएं और लाभ उठाएं। आप सबको आने वाली फसल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।